Hello students, आज हम census and sample method of collection of data, आंकड़ों के संकलन की जनगणना एवं प्रतिदर्श विधि के बारे में पढ़ेंगे। census को हिंदी में कहते हैं जनगणना, इसको संगणना भी कहा जाता है। सैंपल को प्रतिदर्श करते हैं, न्याय दर्श भी कहा जाता है या फिर निदर्शन भी कहा जाता है। तो ये और इंग्लिश में सिर्फ सैंपल, इस सैंपल वर्ड से सभी लोग परिचित होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं। और सेंसस का मतलब हो गया जनगणना या संगणना, कुछ भी, कि ये दो मेथड है जो डाटा को कलेक्ट करने के तरीके है। ये एक उदाहरण लेते हैं कि एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं और उनके हाइट के बारे में डाटा इकट्ठा करना है। तो हम दो तरीकों से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। हम बता ये पता करना है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का एवरेज हाइट कितना है, औसत कितना है, ये अनुसंधान करना है। तो इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से ऊंचाई नापें, जिन जिन 2000 या बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे का एक बच्चे को बुला के सबका नापे। और दूसरा तरीका है कि 2000 बच्चे में से कुछ बच्चे को हम चुन लें, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ एवरेज, इस तरह के बच्चे को चुन लें और उनका ऊंचाई माप लें और उसके आधार पर बोल दें कि इस कॉलेज में, इस स्कूल में बच्चों की ऊंचाई इतनी है, उसका औसत इतना है। तो जो पहला विधि है जिसमें प्रत्येक बच्चों से व्यक्तिगत रूप में बच्चों की व्यक्तिगत रूप में ऊंचाई को नापना है, उसको हम लोग कहते हैं सेंसस मेथड। सेंसस मेथड, ये मेथड जो है इसमें जो हमारा जिस विषय का अध्ययन करना है तो उस विषय के सारे आइटम्स के बारे में व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना पड़ता है, किसी को छोड़ना नहीं पड़ता। अब सेंसस और सैंपल मेथड में क्या है कि हम उसमें से किसी एक कुछ का चुनाव कर लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। हम देखे होंगे कि घर में महिलाएं, माताएं, बहने जब चावल पकाती है, चावल से जब भात बनता है तो जब उसमें से कलछी से कुछ ही चावल को निकाल करके देखती है, दो तीन चावल को, कि वो बढ़िया से पका है कि नहीं, ये नहीं कि सारे चावल को एक एक करके चुन करके देखती है, तो वो केवल सैंपल हुआ। इसी तरह जब हम जांच कर खून की जांच कराने के लिए डॉक्टर कहता है और जब खून की जांच कराने जाते हैं तो पैथोलॉजिस्ट सिर्फ हमारे शरीर से कुछ ही बूंद खून निकाल करके खून के बारे में बता देता है कि आपको ये बीमारी है अथवा नहीं। तो वो सैंपल लेता है खून का, एक या दो खून। खून जांच कराने का मतलब ये नहीं हुआ कि सारे खून को निकाल करके जांच किया और फिर उसके बाद वापस शरीर में डाला। तो ये सैंपल मेथड है। तो ये सैंपल मेथड, तो पहले हम लोग सेंसस मेथड को कहने पढ़ेंगे। तो सेंसस मेथड पढ़ने के पहले हम दो टर्म के बारे में जानेंगे। ये पहला टर्म है यूनिवर्स और दूसरा है पॉपुलेशन। तो हम
जहां तक समझते हैं सभी को ये दोनों वर्ड के बारे में पहले से पता होगा, कम नाम तो जरूर सुना होगा, यूनिवर्स पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब जहां हम लोग देखते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या। जनसंख्या शब्द जब आता है दिमाग में तो जनसंख्या जब सब सुनते हैं तो एक ही बात दिमाग में आता है कि किसी देश में निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या का अर्थ बिल्कुल दूसरा है, बिल्कुल उल्टा है। कैसे कि हम जो 2000 बच्चों का ऊंचाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो जो मेरा जो 2000 बच्चे हैं वो जनसंख्या कहलाएगा। वो आइटम्स का ग्रुप, जितने बच्चे हैं उस बच्चों का समूह, तो जनसंख्या। ये दोनों को हम लोग हिंदी में समग्र का शब्द प्रयोग करते हैं या समूह बोलते हैं। पॉपुलेशन का या समग्र का या समूह का एक जो इकाई होता है उसको आइटम कहा जाता है। जैसे 2000 बच्चे में एक बच्चे को हम आइटम कहेंगे या हिंदी में मद कहते हैं, और सारे मदों की संख्या को समग्र या पॉपुलेशन या जनसंख्या भी कहा जाता है। समग्र, यूनिवर्स, जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो ये दो शब्द समझ में आ गया होगा कि समूहों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं, और उस कुल संख्या में अगर एक संख्या के बारे में तो उसको मत कहते हैं। तो ये दोनों के बाद हम सेंसस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सेंसस मेथड है क्या? तो सेंसस मेथड में हम अंडर दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड about every item of the universe or population relative to the problem under investigation. सारे के सारे जितने लोग हैं वो सारे के सारे
लोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और उसी के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना होगा। तो ये कहाँ कहाँ उपयोगी है, क्यों उपयोगी, किस क्षेत्र में, जब साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल छोटा, जनसंख्या का जो साइज है वो छोटा है, तभी वहां पर ये उपयोगी होगा। मतलब कि सुटेबिलिटी, दूसरा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है या समग्र एज ऑफ हेट्रोजेनियस, यानी कि अलग अलग गुण वाला, सजातीय नहीं हो, बिल्कुल जितने आइटम हैं जनसंख्या में या समग्र में सब एक दूसरे से भिन्न हो, तभी ये सुटेबल होगा। तीसरा हाई डिग्री और एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमको जिस रिजल्ट में, जिस निष्कर्ष में अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो, तब ये विधि सुटेबल है, ये मेथड सुटेबल है। और चौथा कि इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, जब गहन सूचना की आवश्यकता हो, गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, तब ये सेंसर मेथड सुटेबल होगा। पॉपुलेशन का साइज छोटा हो तब सुटेबल होगा, पॉपुलेशन का प्रत्येक आइटम एक दूसरे से भिन्न हो तब सुटेबल होगा, और जब अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो, जो रिजल्ट है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तभी सेंसर मेथड सही होगा। अब इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका मेरिट क्या है? तो पहला जो मेरिट है, ये रिलायबल एंड एक्यूरेट, यानी कि ये इस विधि में प्रत्येक आइटम से संबंधित सूचना इकट्ठा किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, ये ज्यादा विश्वसनीय और शुद्ध होता है। दूसरा लेस बायस, यानी कि इसमें पक्षपात की संभावना बहुत कम, एकदम नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक आइटम से किसी आइटम को छोड़ा ही नहीं गया, पक्षपात को लेकर सवाल ही नहीं है। तीसरा जो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, यानी कि विस्तृत सूचना, इंटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब विस्तृत सूचना, जब हम प्रत्येक आइटम के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति से के बारे में, जब व्यक्तिगत रूप से सब से मिल रहे हैं, तो उससे विस्तृत सूचना, यानी कि उसकी सिर्फ हाइट ही नहीं, उसकी आय कैसी है, रहन सहन कैसा है, आयु कितनी है, इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है। चौथा स्टडी और डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक,
यानी कि विभिन्न विशेषताओं का इसमें अध्ययन होता है। पांचवा स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जटिल अनुसंधान का इसमें अध्ययन किया जाता है। वो सैंपल मेथड हम कर नहीं सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसी मेथड में ये पॉसिबल है। जैसे जनसंख्या के संबंधित हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो सेंसस मेथड से ही करते हैं, सैंपल मेथड इसमें नहीं होगा। देश की जनसंख्या के बारे में अगर हमें जानना है उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना है। लास्ट है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष अनुसंधान। जैसे जब हम देश की जनसंख्या के बारे में जब डेटा इकट्ठा करते हैं तो इसके साथ साथ हमको बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार लिए हुए हैं। इसके बाद तो डिबेट थोड़ा सा है उसको देख लेते हैं और उसके बाद इस मेथड को यही खत्म करेंगे। डिबेट सेंसस मेथड का जो अवगुण है वो क्या है? पहला कॉस्टली मेथड है, बहुत खर्चीली है, इसमें धन मेहनत समय बहुत लगता है, एक एक आदमी के बारे में जानकारी लेना है। दूसरा जो है रिक्वायरमेंट और लार्ज मैन पावर, लार्ज मैन पावर अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है जो कि काफी जटिल प्रक्रिया है। और तीसरा नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अधिक विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के लिए ये सुटेबल नहीं है, कॉस्टली है, इसमें अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, मानव शक्ति को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो डेटा जाके इकट्ठा करे। तो ये तीन डिमेरिट है और इधर मैंने मेरिट पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो में हम सैंपल मेथड के बारे में पढ़ेंगे।